गुड मॉर्निंग। हम लोग राजस्थान के खनिज पढ़ रहे थे। खनिजों में हमने रॉक फॉस्फेट के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद मार्बल के बारे में अध्ययन किया। आज हम नए खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अभ्रक के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में अभ्रक की स्थिति किस प्रकार। सबसे पहले तो हम लोगों के जो मालूम चाहिए कि अभ्रक को अंग्रेजी भाषा में मिका या माइका भी कहा जाता है। मिका या माइका भी कहा जाता है। कई बार प्रतीक परीक्षा में ये भी लिख सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा माइका कहां पर पाया जाता है। तो अंग्रेजी वर्ड भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इसको मिका भी कह सकते हैं, माइका भी कह सकते हैं। अभ्रक में कहीं कहते हैं माइका का उत्पादन कहां होता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अभ्रक या माइका का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक, वो होता है भीलवाड़ा। कहाँ होता है? भीलवाड़ा। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भीलवाड़ा जिले में होता है। इसके अलावा अन्य उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं। उससे पहले यह पढ़ लेते हैं कि अभ्रक का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से कहां कहां होता है। अभ्रक के उपयोग की जो बात करते हैं कि कहां कहां पर अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक के हम उपयोग की बात करते हैं, सबसे पहले विद्युत संबंधी जो उपकरण होते हैं उनको बनाने में मुख्य रूप से अभ्रक का उपयोग किया जाता है। विद्युत जो बिजली के जो उपकरण हैं उनको बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा दवाइयां बनाने में भी मुख्य रूप से अभ्रक का उपयोग करते हैं। उसके बाद में सजावट के सामान बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स, आभूषणों को बनाने में भी मुख्य रूप से अभ्रक का उपयोग करते हैं। उसके बाद में अग्नि प्रतिरोधक सामान बनाने, क्योंकि यह आग में जलता नहीं है, कारण से अग्नि प्रतिरोध सामान बनाने में भी मुख्य रूप से अभ्रक का प्रयोग करते हैं। और वायुयान कुछ पार्ट बनाने में भी अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद सर्वाधिक कहां होते हैं? उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में, किन खानों में मुख्य रूप से अभ्रक निकाला जाता है। बात करते हैं सबसे पहले भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में किन किन क्षेत्रों में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? सबसे पहले बात करते हैं नाथ की नेरी। भीलवाड़ा की नाथ की नेरी में। दूसरा तुमका क्षेत्र। उसके बाद में तुमका के बाद आता है बानकिया, चापरी। नाथ की नेरी, तुमका, चापरी, बानकिया, इसके बाद गोरखन। उसके बाद दामन और इसका बनेड़ी और धुनास। बनेड़ी और भुवास क्षेत्रों में मुख्य रूप से भीलवाड़ा के क्षेत्र है जहां पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। आपके तुमका, तापरी, बनाकिया, कोरखन, दानबण, बल्लेड़ी और भुवास क्षेत्र में। उसके अलावा दूसरा जिला उदयपुर। उदयपुर जिले में मुख्य रूप से चंपागुड़ा, मालवा,
अंपावुड़ा, मालवा क्षेत्र, उसके बाद में दौलमेत्रा भगतपुरा, दौलमेत्रा और भगतपुरा में मुख्य रूप से अब्रक का उत्पादन किया जाता है जो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं टोंक, टोंक में बात करते हैं, टोंक का आता है बरला क्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण है टोंक का, जो बरला क्षेत्र है वो अब्रक के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा शंकरवाड़ा और बारचौला, यह भी टोंक का प्रमुख क्षेत्र जहां पर अब्रक का उत्पादन किया जाता है। उसका आता है जयपुर, जयपुर के दो क्षेत्र अति महत्वपूर्ण कई बार आ चुके हैं, एक आता है बंजारी और एक आता है लक्ष्मी। लक्ष्मी और बंजारी जो क्षेत्र हैं जयपुर के, वो सबसे ज्यादा अब्रक के महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। इनको हम एक मानचित्र के अनुसार स्पष्ट कर लें, जैसे ये आपका राजस्थान का भी, राजस्थान के लिए सबसे पहले भीलवाड़ा, ये आपका भीलवाड़ा क्षेत्र, उसके बाद आता उदयपुर, ये आ जाइए उदयपुर क्षेत्र, उसके बाद टोंक क्षेत्र और उसके बाद जयपुर क्षेत्र। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या होता है, अब्रक का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा अब्रक के कुछ प्रकार की बात करते हैं हम लोग, अब्रक के कुछ प्रकार की बात करते हैं। देखिए अब्रक के प्रकार, तीन प्रकार के अब्रक कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है सबसे पहला मस्कोवाइट, एक होता है बायोटाइट, एक होता है फ्लोगोटाइट या फ्लोगोबाइट। तीन, मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोबाइट। मस्कोवाइट को हम कह सकते हैं सफेद अदरक, जो सबसे अच्छा होता है, और इसे अपन एक नाम और जानते हैं, इसे रूबी अब्रक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूबी अब्रक। मस्कोवाइट को सफेद अब्रक के नाम से भी जानते हैं और रूबी अब्रक के रूप में भी इसे सम्मानित करते हैं। उसके बाद में बायोटाइट, इसे कहते हैं गुलाबी रंग का जो अब्रक होता है वो होता है बायोटाइट, कितने गुलाबी रंग का। और फ्लोगोटाइट जो अब्रक है उसके जो कलर का रंग, कलर जो होता है कह सकते हैं पीले रंग का जो अब्रक होता है उसे हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, फ्लोगोटाइट। प्रकार में मस्कोवाइट, बायोटाइट और फ्लोगोटाइट, पीले रंग का फ्लोगो, बायोटाइट गुलाबी रंग का, और मस्कोवाइट सफेद या रूबी अब्रक रूप में से संबोधित करते हैं। ये आज का टॉपिक अपना अध्ययन किया अब्रक के बारे में, से अंग्रेजी भाषा में मैका के रूप में जानते हैं, सर्वाधिक भीलवाड़ा जिले में। अन्य अपन ने उत्पादन क्षेत्र की बात की, उसके बाद में मानसिक अनुसार पढ़ा, पौधे बारे में पढ़े और प्रकार के बारे में अध्ययन किया। ये था आज का टॉपिक अब्रक। थैंक यू वेरी मच।